हिमाचल हाई कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया था कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही काम कर रहे हैं। कोर्ट को ये भी बताया गया था कि सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं, हालांकि उन्हें अन्य विधायकों से ज्यादा सैलरी कानून के अनुसार ही दी जा रही है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के सामने इस मामले पर अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। प्रदेश महाधिवक्ता अनूप रत्न की ओर से बताया गया कि इन सीपीएस को कानून किसी भी तरह की मंत्रियों वाली सुख सुविधा नहीं दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट सैलरीज अलाउंस पावर्स प्रिविलेज एंड एमिनिटीज एक्ट 2000 के मुताबिक सीपीएस को मंत्री की तरह काम करने की पहले से ही मनाही है। असम और हिमाचल प्रदेश में सीपीएस के लिए बनाए गए नियमों में काफी अंतर है, इस कारण सीपीएस को असम के नियमों को देखते हुए हटाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश महाधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में सीपीएस के लिए बनाए गए नियम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हैं, जबकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहले से ही सीपीएस की नियुक्ति को जायज ठहरा चुका है। हिमाचल की जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के अलावा 6 विधायकों को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया था। इस नियुक्ति को श्री सतपाल सत्ती जी और 11 बाकी एमएलए उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उसकी सुनवाई 12-13 डेट्स पर हो चुकी है और आज भी उस केस की सुनवाई थी। जो प्रार्थी हैं, हमारा आरोप ये है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मंत्रिमंडल की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती है और हिमाचल में केवल 12 हो सकती है, जबकि ये मिलाकर ये संख्या 17-18 के करीब चली जाती है। उस पर हमने याचिका दायर की थी। अलग अलग तिथियों पर इसकी सुनवाई होती रही। सभी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने भी अपने रिप्लाई फाइल किए, सरकार की तरफ से भी रिप्लाई फाइल हुआ। तो हमने इसके साथ साथ एक स्टे एप्लीकेशन भी मूव की थी कि इन लोगों को अपना कार्य करने से रोका जाए। हालांकि बीजेपी नेता सतपाल सत्ती सहित 12 बीजेपी विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से रामकुमार, रोहड़ू से मोहनलाल, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी थी। अगली केस की सुनवाई, क्योंकि हाईकोर्ट में छुट्टियां हो रही हैं, अब ये सुनवाई 11 मार्च को होगी, जिसमें 12 मार्च को होगी, जहां पर इस केस का पूरी बहस सुनने के बाद इसमें अंतिम निर्णय होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिमल रॉय के केस में, जो असम का मामला है, उसमें हमने लगाई है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को क्रिएट करने का सरकार को कोई हक नहीं है। इसे ही मणिपुर के केस में भी हमने जजमेंट कोर्ट को दिखाई है। पंजाब और हरियाणा के केस में भी, जगमोहन भट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को क्रिएट करने का कोई प्रावधान नहीं है और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो हैं, ये मंत्रिमंडल के लिए जो आर्टिकल 164 में एक प्रावधान है, उसका उल्लंघन करती हैं। इस पर बहस अगली बार होगी। हालांकि इस चुनौती के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया। अब ये देखना होगा कि सीपीएस मामले में 12 मार्च को कोई फैसला निकलकर सामने आता है या फिर कोर्ट की तरफ से अगली तारीख दी जाती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।